Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लाइजन। कहानी की शुरुआत मोरक्को शहर से होती है जहां पर हम एक कपल स्काउट और टेलर को देखते हैं जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। वो यहां मोरक्को में अपना हनीमून मनाने के लिए आए हुए हैं। दरअसल स्काउट एक अमीर बंदा है, इसीलिए वो खुद के चॉपर से आता है और फिर एक आलिशान होटल में रुकता है। रात होने पर वो अपने दोस्त से बिजनेस के बारे में बात करना शुरू कर देता है। जो बात टेलर को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि वो यहाँ पर अपने बिजनेस के बारे में ही बातें करने आए हैं जबकि वो हनीमून मनाने आए। गुस्सा होकर वो बाहर जाकर स्मोक करने लगती है। इतने में उसकी नज़र पूल के पास बैठे एक आदमी पर पड़ती है। वो भी टेलर को देखता है और उसके पास आकर उसे किस करने लगता है। जी हाँ, इस बंदे का नाम है ट्रेविस जो कि टेलर का बॉयफ्रेंड है। वो उसे कहती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, तुम्हें बस तैयार रहना है। वो हाँ में जवाब देता है और उसे एक GPS ट्रैकर देता है। देखते हैं कि ये दोनों आगे जाकर क्या करने वाले हैं, जो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। अब सुबह होने पर स्काउट कार से एक ओल्ड फोर्ट यानी कि पुराने किले के लिए निकल जाता है क्योंकि वहाँ पर कम लोग जाते हैं। बीच में उन्हें एक बीहल रास्ता भी मिलता है जहाँ पर ना के बराबर कोई कार दिख रही थी। वो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर से उसी रास्ते पर निकल जाता है, लेकिन इतने में उसे कुछ दूरी पर एक दूसरी कार दिखाई देती है जो कोई और नहीं बल्कि ट्रेविस ही ड्राइव कर रहा था, क्योंकि जो कल रात उसने वो GPS दिया था उसकी मदद से वो उनकी लोकेशन को देख पा रहा था। देखते ही देखते वो उनके पीछे आ जाता और स्काउट की कार को टक्कर मारना शुरू कर देता है। स्काउट को लगता है कि शायद यहाँ का कोई लोकल बंदा है, इसीलिए वो कार को तेज कर देता है, लेकिन फिर भी वो टक्कर मारना बंद नहीं करता और स्काउट स्पीड इतनी तेज कर देता है कि आगे आने वाले एक ब्लाइंड स्पॉट को वो देखना भूल जाता है, जिस वजह से उसकी कार एक बड़ी जंप मारती है और वहाँ पर एक बंदा भी खुद खड़ा होता है जो उन्हें कार को रोकने को कहता है, लेकिन कार इतनी तेज स्पीड में होती है कि वो रुक ही नहीं पाती और उस बंदे को टक्कर मारते हुए जाकर एक बस में टकरा जाती है। अब वो कुछ देर और सोच पाते कि ये सब क्या हो रहा था। इतने में पीछे से ट्रेविस की कार भी आ जाती है और उसे भी एक दूसरा बंदा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में उसकी कार ही पलट जाती है। कुछ देर पहले जो जगह बीहड़ लग रही थी अब वो किसी क्रैश स्पॉट जैसी बन चुकी थी। चारों तरफ बस कार ही ठुकी पड़ी है। जब सब कुछ शांत होता है तो हम एक उमार नाम के आदमी को देखते हैं जिसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, शायद ही किसी तरह का कोई अपराधी होगा। वो उस बस ड्राइवर के पास जाता है जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे बाहर निकालने के बजाय वो उसकी जान ले लेता है और ये काम ऐसे करता है जैसे किसी को कुछ पता ही ना चले। इसी दौरान हम एक और क्रैश कार को देखते हैं जिसके अंदर अयूब नाम का आदमी जख्मी हालत में था। पीछे उसकी वाइफ सारा थी जिनके हाथ में एक बच्चा भी था। वो बार बार मदद की गुहार लगा रही थी। उधर हम स्काउट को देखते हैं जिसका कंधा हिल चुका था, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पा रहा था। टेलर को ज़्यादा चोट नहीं आई थी तो वो बाहर निकलकर स्काउट की मदद करती है, जिसके बाद वो खुद के कंधे को ठीक करता है और फिर उस फैमिली की मदद करने के लिए चला जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले तो उस बच्चे को बाहर निकालता है और टेलर को दे देता है। उसके बाद वो लोग अय्यूब को बाहर निकालने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा था। इधर हम देखते हैं कि उमार जानबूझकर अय्यूब को पीछे ढकेल रहा था ताकि वो रॉड उसके शरीर में घुस जाए और वो मारा जाए। और इसी दौरान स्काउट को भी वो दूसरी कार दिखती है जो कि ट्रेविस की थी। वो फौरन उनके पास जाता है उसे बचाने के लिए। यहाँ उमार की नज़र अय्यूब की कार से लीक हो रहे पेट्रोल पर पड़ती है, जिसके पास में ही वो सिगरेट फेंक देता है जिसे वो मारा जाए। अब वो लोग ट्रेविस को बाहर निकालते हैं। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। स्काउट देखता है कि उसके हाथ में भी सेम वही वॉच है जो उसके हाथ में है और टाइम भी सेम ही जगह का सेट हो रखा है जो कि है न्यूयॉर्क। वो उसके कार में कुछ तलाशी करने लगता है। उसे कुछ डाउट था और वो डाउट यकीन में बदलने से ज़्यादा देर नहीं लगती क्योंकि उसके कार में एक GPS ट्रैकर मशीन मिलती है जिसकी लोकेशन टेलर के पास से आ रही थी। जिस चीज़ को देख कर स्काउट टेलर से कहता है, क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगी? वो उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, मुझे कुछ नहीं पता। उधर सारा अपने हस्बैंड को बाहर निकालने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन इसी बीच उसकी कार में आग लग जाती है उसी सिगरेट की वजह से उमान ने जो फेंकी थी। स्काउट फौरन उस आग को कम करने की कोशिश करता है क्योंकि अय्यूब भी उसके अंदर है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसीलिए उमार अय्यूब को एक रॉड से मारना शुरू कर देता है ताकि वो मारा जाए और तकलीफ जिंदा जलने पर जो होती है वो उसे ना हो, और ऐसा करने के लिए उसे स्काउट ने ही कहा था। इधर सारा अपने हस्बैंड को ऐसे जलते हुए देखकर तड़प रही थी तो स्काउट उसे सहारा देता है। कुछ देर बाद पूरी कार जलकर खाक हो जाती है। स्काउट फोन में नेटवर्क चेक करता है पर वो भी नहीं आ रहा था, यानी कि अब यहाँ से इस कहानी का असली थ्रिल शुरू होने वाला है। इसके बाद हम एक अनजान बंदे को देखते हैं जो इनके ऊपर से नजर रखे हुए था।
जब थोड़ी देर बीत जाती है तो वो अपनी बंदूक लेकर इनके पास आता है और खुद का नाम जॉन बताता है। वो सारा के पास जाकर पूछता है क्या उसका बच्चा ठीक है, तो वो जवाब में कहती है कि उसे तेज़ बुखार है। इसके बाद वो अपने बारे में बताते हुए सभी से कहता है कि मेरी बाइक पास में ही खराब हो गई, इसीलिए मैं बस का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा तो सोचा मदद के लिए आ जाऊँ। इसके बाद उमर उससे कहता है कि मेरी बस पंचर हो गई है, उसकी मदद के लिए एक फैमिली रुकी है, लेकिन फिर दो अमेरिकन ने आकर उन्हें कुचल दिया। वहीं हम जॉन को देखते हैं जो सारा के पास एक बास्केट लेकर आता है, उसके बच्चे को उसमें रखने को कहता है, इसे उसे आराम मिलेगा। इसी बीच उमर उन्हें बताता है कि इनमें से एक कार का इंजन ठीक है, हमें उसे थोड़ा और ठीक करके यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन स्काउट का नज़रिया थोड़ा सा अलग है। उसका कहना है कि हमारे पास वाले खंडर में रुक कर किसी की मदद का इंतज़ार करना चाहिए, जो चीज़ सारा को पसंद नहीं आती क्योंकि उसका बच्चा बीमार है। इतने में जॉन उस क्रैश हुए बस के पास जाता है जहाँ उसे एक बैग मिलता है, जिसे खोलने पर उसके अंदर एक पुलिस वाले की लाश मिलती है जिसको किसी ने गोली मार दी थी, मतलब एक और ट्विस्ट। उसके जेब करके उसे उसके अंदर एक वारंट भी मिलता है जो किसी और का नहीं बल्कि उमर का था। उस वारंट से हमें पता चलता है कि वो एक डीलर है जो हीरो की तस्करी करता है। उसमें एक टूथपेस्ट भी मिलता है जिसके अंदर से कुछ हीरे मिलते हैं। इतने में वहाँ पर उमर आने लगता है तो जॉन फौरन उन चीज़ों को अपने पास रख लेता है और उसे झूठ कहता है कि इसके पास से कुछ नहीं मिला। वो हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर वो किसी से कह भी नहीं सकता क्योंकि उसे पहले से पता है कि ये बंदा कौन है, और ऐसे ही उसकी असलियत सामने आ जाएगी। कुछ देर बाद सारा आती है जो उनसे कहती है कि उसके बच्चे को धूप से बचाना है, इसीलिए कुछ से कुछ करना होगा। तब जॉन उसकी मदद करता है और फिर उसके लिए एक खंडर में उसके लिए एक शेल्टर बनाता है, जहाँ पर वो ट्रैविस को भी लेटा देता है जो कि अभी भी बेहोशी की हालत में था। उधर वो सभी लोग ट्रैविस की कार को पलटने की कोशिश करते हैं क्योंकि उमर को लगता है कि वो अभी चल सकती है, लेकिन वो लोग उसे पलट नहीं पाते। दूर बैठा स्काउट ये सब देख रहा होता है, उसे उमर का आइडिया पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, मगर वो फिर भी उसकी मदद करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर उस कार को सीधा कर देते हैं और उमर उसको स्टार्ट करने की कोशिश में लग जाता है। इसीलिए जॉन को जुगाड़ करता और जैसे तैसे करके उस इंजन को ठीक कर देता है। उन्हें अब यहाँ से निकलना होगा। उमर जितनी भी पानी की बोतल होती है उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अपने लिए पानी चाहिए था। उसके लिए वो टेलर के हाथ से भी बोतल छीन लेता है, जिससे वो नाराज़ होकर उसे थप्पड़ मार देती है। तब उमर भी उसका जवाब देता है, जो देखकर स्कॉट गुस्सा हो जाता है और उसकी ओर बढ़ता है, पर उमर अपनी कमर पर लगी बंदूक को दिखाते हुए सभी से कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही सब कुछ चलेगा क्योंकि यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। अब टेलर गुस्सा होकर स्कॉट से कहती है कि उसने मुझे मारा और तुमने कुछ किया भी नहीं, तो वो कुछ जवाब नहीं देता और इसीलिए वो उसी खंडर की ओर चली जाती है जहाँ पर ट्रैविस लेटा हुआ था। वो उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन अब वो नहीं चाहती कि वो जिंदा रहे, इसीलिए वो उसे मारने की कोशिश करती है क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो शायद स्काउट को सब कुछ बता दे। इतने में वहाँ पर उमर आ जाता है जो उसको ऐसा करते हुए देख लेता है। दरअसल वो उसे पानी देने के लिए आया था जो कि वो देकर चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसने वो देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था, मतलब एक और इंसान को उससे खतरा है। उधर हम स्काउट और जॉन को देखते हैं जो आपस में फैसला कर लेते हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे क्योंकि स्काउट को उमर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो उसे बताता है कि कुछ अच्छा कारोबार है और वो आगे जाकर उसकी मदद भी कर सकता है। जॉन मान जाता है। इतने में सारा आकर बताती है कि जो वो आदमी था उसे होश आ गया, इसीलिए सभी उसकी ओर निकलते हैं। इतने में हम दूसरी तरफ देखते हैं, टेलर ट्रैविस को समझाने की कोशिश कर रही थी कि स्काउट को उन पर शक हो गया। इतने में वहाँ पर स्काउट आ जाता है जो पूछता है कि क्या तुम इससे कुछ बात कर रही थी, तो वो कहती है कि मैं तो बस इसका नाम पूछ रही थी। पर दोस्तों यहाँ पर अब खुलता है इस कहानी का आधा प्लॉट जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। स्काउट कहता है कि तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी, रुको मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। कुछ ही देर में वो ट्रैविस का पूरा चिट्ठा उसके सामने रख देता है और एक ऐसा राज जो सुनकर टेलर भी शॉक हो जाती है। दरअसल ट्रैविस उसके लिए ही काम करता है, वो उसके बदले में पैसे लेता है। तो वो कहती है कि फिर तुमने शादी क्यों की मुझसे, तो स्काउट बताता है कि वो उसे सच में प्यार करता था, उसने उसे बहुत सारे मौके दिए सुधरने के, लेकिन वो फिर भी हर बारी उसे धोखा देती रही। ये सब सुनकर ट्रैविस को मारना शुरू कर देती है वो, जिसे देखकर स्काउट हंसने लगता है और कहता है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम्हें यहाँ की सरकार सज़ा देगी और तुम्हें तो पता ही होगा कि इस्लामिक कंट्री की सज़ा क्या होती है किसी भी इंसान को धोखा देने की। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और उन दोनों के बीच जो भी कुछ बातें हुई थी वहाँ खड़े सभी बंदों ने सुन लिया था, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। उसके बाद सभी जाकर उस कार को ठीक करना शुरू कर देते हैं, उसमें कुछ सही टायर लगाने लगते हैं। इसी बीच टेलर जाकर सारा से बातचीत करती है, उसे दोस्ती बढ़ाना चाहती है, लेकिन वो उसे बच्चे को रोते हुए देख कर वो उससे कहती है कि तुम इसे फीड क्यों नहीं करती, तो वो बताती है कि ये उसका बच्चा नहीं है। ये सुनकर टेलर हैरान थी।
यहाँ सारा बताती है कि असल में जब वो जेल में थी तो वहाँ पर उन्हें एक आदमी मिला था जिसकी बीवी, उसके बच्चे और उसके सारे पैसे को वो हड़पना चाहती है। उसने हमसे मदद मांगी जिसके बाद हम जेल से रिहा हो गए। तो मैं और अयूब उस लेडी के घर गए और वहाँ अयूब ने उसके साथ बहुत बुरा किया। उसके बच्चे को भी हम ले आए और हमारा काम था कुछ दिन इसको सेफ रखना जब तक वो बाहर नहीं आ जाता। टेलर पूछती है कि आखिर अयूब इतना खतरनाक है तो तुम उसके साथ रहती क्यों? तो सारा कहती है कि मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए, तब अयूब मेरा सहारा था और फिर तब से लेकर अभी तक मैं उसके साथ ही हूँ, लेकिन उसके जाने के बाद मैं एकदम अकेली पड़ चुकी हूँ। अब उसी रात ओमार टेलर को इम्प्रेस करने के लिए उससे बातें करना शुरू कर देता है और उसे कुछ डायमंड दिखाते हुए कहता है कि इनकी कीमत करोड़ों में है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ये तुम्हारे भी हो सकते हैं। उन दोनों को देखकर ट्रैविस कहता है कि मुझे तो शक हो रहा है कहीं ये रात में कार लेकर फरार ना हो जाए। तो जॉन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो इंजन में लगने वाले के इम्पोर्टेंट पार्ट को दिखाते हुए बताता है कि इसके बिना कार स्टार्ट ही नहीं हो सकती। अब सुबह होने पर ओमार सभी को लात मारकर उठाता है और पूछता है कि आखिर ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। तब जॉन चुपके से उस पार्ट को लगा देता है, जिस चीज़ को देखकर ओमार बहुत ही गुस्सा करता है और पूछता है कि आखिर तुमने इसके साथ ऐसा क्या किया, बताओ मुझे। पर वो कुछ नहीं बोलता। ओमार और गुस्सा हो जाता है और इस चीज़ को देखकर ट्रैविस भी गुस्से में आ जाता है और उसकी ओर एक रॉड लेकर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है ओमार उसे शूट कर देता है, जिस चीज़ को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। किसी को लगा नहीं था कि इन सब में उसकी मौत हो जाएगी। फिर वो जॉन के पास आता है और उसकी ओर बंदूक करके कहता है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब खाली कर दो। वो एक एक करके अपना सामान निकालना शुरू करता है, पर अचानक से वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। लेकिन ओमार दूसरे हाथ से बंदूक उठा लेता है, लेकिन जब तक उसे शूट करता है उससे पहले जॉन अपनी बंदूक से उसे भून डालता है। उसका ऐसा रूप देखकर सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि जॉन ऐसा कुछ करेगा। वो सभी को ओमार का वारंट दिखाता है और कहता है कि ये हमारे लिए खतरा था जिसको पुलिस बरसों से ढूंढ रही थी, लेकिन अब चलो हमें यहाँ से निकलना है। कार में बैठने से पहले स्काउट एक बैग सीट के नीचे से निकालता है और अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो लोग उस टूटी कार से रोड तक आते हैं, जहाँ स्काउट जॉन से पूछता है कि आखिर तुम इतनी अच्छी बंदूक कैसे चला लेते हो। वो बताता है कि उसने 2 साल आर्मी और 5 साल प्राइवेट सिक्योरिटी में काम किया। इसी दौरान स्काउट के फ़ोन में सिग्नल भी आता है, जिसकी मदद से जॉन अपने एक दोस्त की मदद मांगता है और फिर वो लोग एक गांव पहुंचते हैं। जॉन अपने दोस्त के पास मदद के लिए जाता है। इसी दौरान स्काउट टेलर से फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जॉन एक सही कार लेकर आता है, जिसको वो लेकर अपने होटल पहुँचता है, जहाँ पर स्काउट को पता चलता है कि कुछ देर पहले उसके आने से पहले उसकी वाइफ यहाँ आई थी, और वो फौरन अपने रूम में जाता है तो देखता है कि उसका सारा सामान बिखरा पड़ा है, यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी जल चुका है। वो खिड़की पर जाता है तो देखता है कि वहाँ से टेलर भाग रही है। वो फौरन नीचे आकर स्टाफ से उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर और वो टेलर को लेकर कहाँ जा रहा है ये पता लगाने को कहता है। इसी दौरान वो अपने रूम में आकर उस बैग को खोलता है, जिसमें उसे कुछ नकली पासपोर्ट मिलते हैं जो उसी के थे। उधर हम जॉन और सारा को देखते हैं जो साथ में थे। सारा एक रेस्टोरेंट में रुककर अपने एक साथी को कॉल करती है, उसे जॉन और उसके डायमंड के बारे में भी बताती है, तो वो कहता है कि तुम यहाँ इसे लेकर आ जाओ, बाकी हम देख लेंगे। वो जाकर उसे झूठ बोलती है कि उसका परिवार उसे डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है। जॉन भी मान जाता है, जिसके बाद वो उसे लेकर बहुत ही अजीब सी जगह जाती है। वहाँ वो बंदा भी था, जॉन का इंतज़ार कर रहा होता है वो, और मौका देखते ही उसे मार देता है और उस डायमंड को भी ले लेता है। फिर दोनों ही वहाँ से फरार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जॉन भी पुराना चावल है। इतनी आसानी से वो हार नहीं मानेगा, वो अभी भी ज़िंदा होता है और अब इनके पीछे कर रहा है वो, और अब वो इनके पीछे पड़ चुका है। इतने में सामने से एक लेडी आती है, जिसको पीछे चल रही सारा इशारा करती है, जिससे कि वो बंदा समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बंदूक निकालता, वो औरत उसे शूट कर देती है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है, जो उस औरत को पकड़ लेता है, और जब उसका नकाब हटाता है तो उसके पीछे टेलर थी। इन दोनों का प्लान था कि वो पहले जॉन और फिर उस बंदे को मारकर सारा हीरा ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि जॉन अब सारा को पकड़ लेता है और कहता है कि जिस बच्चे को तुम खुद बता रही हो वो असल में मेरा बच्चा है। जिस औरत को तुम दोनों ने मिलकर मारा था उसे मैं प्यार करता था, और तुमने उसको ऐसे ही जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया, पर मैंने तुम दोनों को देख लिया था। लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारी सजा यहाँ की जेल है, जहाँ की जिंदगी नरक से भी बदतर है। इतने में वो देखता है कि टेलर वहाँ से भाग गई है और वो ओल्ड फोर्ट पर आ गई है, जहाँ उसकी मुलाकात हो जाती है स्काउट से, अब नए अवतार, जो कि अब एक नए अवतार में था। वो उसके पेट में चाकू लगा देता है और पूछता है कि क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था, तो वो ना में जवाब देती है। फिर क्या था, वो उसके पेट में चाकू घुसा देता और वहीं मार कर
और वहीं मरा हुआ छोड़कर बस में बैठ जाता है। और तब हम उसी जगह पर जॉन को भी देखते हैं जिसे सारा को पकड़वा दिया था। उस लेडी को कॉल करके बता देता है कि अब तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, कि अब तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। तभी उसे वहां से टेलर की लाश जाती हुई दिखती है जिसको जॉन पहचान लेता है। और इसी बीच उसे बस में बैठा हुआ स्काउट भी दिखता है। दोनों इशारों में एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।